आज का जो विषय है वो है जितने हमारे पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं। तो पब्लिक सर्विस व्हीकल जब हम बोलते हैं तो एनी व्हीकल जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, और दूसरे शब्दों में जो हम कहते हैं पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स, तो इसमें जितने भी ऑटो हैं, टैक्सीज़ हैं, ग्रामीण सेवा हैं, आरटीवीज़ हैं, फटफट सेवा हैं, उस प्रकार से पूरी लिस्ट है। और अगर इसमें पूरी दिल्ली में इन व्हीकल्स की संख्या देखें तो लगभग 2,44,312 बनती है, तो हम 2.5 लाख बोलते हैं। तो 2.5 लाख जो व्हीकल्स हैं वो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं। और इसमें से लगभग 85,000 के आसपास जो हैं वो ऑटोज़ हैं। तो अगर ऑटोज़ को हम छोड़ दें तो रिमेनिंग जो लगभग 1.5 लाख के आसपास जो टैक्सी हैं, ग्रामीण सेवा हैं, आरटीवीज़ हैं, मैक्सी कैब हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। आपको याद होगा 2019 में माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में बहुत बड़ा रिलीफ दिया था ऑटोज़ को और टैक्सीज़ को, कि उनका जो ईयरली जो 1,200 रुपये जो वो दिया करते थे व्हीकल ट्रैकिंग के नाम पर डेम्स को, वो हमने माफ़ किया था। और मैं सभी जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में आज वो जेल में हैं, लेकिन वहाँ बैठकर भी वो जो हमारे जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं उनके जो वाहन के जो मालिक हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। तो वो ये वाकई में दिखाता है कि किस प्रकार से पूरे गवर्नेंस में वो आज भी इन्वॉल्व हैं, और वहाँ जेल में बैठकर भी हर एक व्यक्ति के बारे में वो पूरे दिल्ली वासियों के बारे में सोच रहे हैं। तो लगभग ये 1.5 लाख जो व्हीकल्स हैं, मैंने बताया 2.5 लाख के आसपास अगर हम पूरी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की संख्या माने और ऑटोज़ को और जो हमारी काली पीली टैक्सीज़ हैं उनको ये रिलीफ पहले ही हम दे चुके थे। तो अगर 1 लाख निकाल दें तो 1.5 लाख व्हीकल ओनर्स को ये जो शुल्क या जो फ़ी कहिए 1200 का, वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। डेम्स के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया है, और अब पूरा जो ट्रैकिंग वगैरह है वो सारा NIC द्वारा वो मैनेज किया जाएगा। और ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी। मैं जब भी अलग अलग यूनियन से मुलाकात की है तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ के बारे में ये रिक्वेस्ट किया है, सीएम साहब को कितनी बार इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट किया है। तो आज से जो ये ईयरली फ़ी थी 1,200 की, इसमें 18% जो है वो टैक्स भी है। तो अगर टैक्स इसमें लगा दें तो ये लगभग 1,416 रुपये, मतलब 1,400 रुपये के आसपास ये बनता है। और इसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जो कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ये कदम लिया गया। मैं सभी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ओनर्स हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सीएम साहब ने भी और हमने भी ये बार बार कहा है कि जितने भी पब्लिक सर्विस व्हीकल, चाहे वो ऑटो हैं चाहे टैक्सीज़ हैं, ये बहुत अहम भूमिका पूरी दिल्ली वासियों का जो एक डेली रूटीन है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लाखों हज़ारों जो लोग हैं वो उनको एक अपने डेस्टिनेशन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। माननीय सीएम साहब ने बार बार ये कहा है कि हर एक ऑटो टैक्सी वाला जो है वो एक हमारे परिवार का सदस्य है। और समय के साथ साथ जब भी सरकार को ये पता चला है कि इस चीज़ की वजह से कोई परेशानी हो रही है, उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन लिया है। और आज के इस मौके पे, इस जो ये खुशखबरी है, इसके मौके पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा और ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ऑटो टैक्सीज़ और जितने पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में और पीछे क्या किए थे। आपको याद होगा स्पीड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि जब भी फिटनेस के लिए व्हीकल जाया करता था उस पर एक सर्टिफिकेट इशू होने पे केवल 2500 रुपये का उस पर फ़ीस था। वो हमने एक ऑर्डर के तहत 500 रुपये किया और उसके बाद अभी 2024 में ही मेरे ख्याल से जनवरी 24 में अब स्पीड गवर्नर होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि स्पीड गवर्नर नहीं होना चाहिए, स्पीड गवर्नर होना चाहिए, लेकिन वो सर्टिफिकेट के जो 2000-2500 रुपये लगते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो एक ये बहुत बड़ी राहत जो हर फिटनेस के टाइम पे वो सर्टिफिकेट इशू करने में जो पैसे लगते थे वो उनके बचेंगे। इसी प्रकार से 2019 में फिटनेस फ़ी जो ऑटोज़ की 200 रुपये थी और टैक्सी की 400 रुपये थी उसको नील किया गया, तो साफ साफ 200-400 रुपये की सेविंग थी। नंबर 3 पॉइंट पे एडिशनल फ़ी फॉर लेट फ़ी उसको 50 रुपये से 20 रुपये किया गया। रजिस्ट्रेशन फ़ी थी 1000 रुपये, उसको 1000 से कम करके 300 रुपये किया गया। डुप्लीकेट आरसी की जो फ़ी थी वो 500 रुपये थी, उसको 500 से कम करके 150 रुपये किया गया। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की जो फ़ी थी 500 रुपये, उसको 500 से कम करके 150 रुपये किया गया। एडिशनल फ़ी फॉर डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप उसको 500 से कम करके 100 रुपये किया गया। हायर परचेज एडिशन वो 1500 रुपये थी, उसको 500 रुपये किया गया कम करके। रिन्यूअल ऑफ परमिट इस पर भी लगातार जितने भी यूनियंस थी और जितने भी ऑटो टैक्सी वाले थे उनका ये हमेशा रिएक्शन आता था कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी कम किया गया। और अब लास्ट में जो ये एक बहुत पुरानी डिमांड जो उनकी बची हुई थी कि 1200 रुपये जो एनुअली जो फ़ी देते हैं व्हीकल ट्रैकिंग की उसको भी हटाया जाए, तो ये ऑनरेबल सीएम की लीडरशिप में इसको हटाया गया गया। आपको मैं इसी मौके पे ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम जब ऑटो टैक्सीज बिल्कुल बंद थे तो मेरे ख्याल से अक्रॉस एंटायर दिल्ली गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया गया थ्रू फेसलेस, बिल्कुल किसी को हमने बुलाया नहीं अपने ऑफिस, वो टोटल अमाउंट लगभग 167 करोड़ जो पैसा ये डिस्पर्स किया गया था। तो आज का ये टॉपिक मेनली इसी पे था कि जो 1200 रुपये की जो फ़ीस थी और इससे लगभग 1.5 लाख जो व्हीकल ऑनर्स हैं उनको डायरेक्ट ये फ़ायदा पहुँचेगा।